Welcome to my class, student. It's class 8, English Honeydew. We are doing chapter 1, The Best Christmas Present in the World. And this is session 4. इस स्टोरी में आपने देखा जिम मैकपर्सन जो ब्रिटिश आर्मी के हैं और हांस वुल्फ जो जर्मन आर्मी के हैं, कैसे वॉर फ्रंट में उन्होंने एक दूसरे से दोस्ती की, कैसे उन्होंने अपने फूड आर्टिकल्स एक दूसरे के साथ शेयर किया, कैसे उन्होंने एक दूसरे को विश किया हैप्पी क्रिसमस, और जितने भी सोल्जर्स थे जर्मन और ब्रिटिश के, वो उन्होंने उनकी एक ही उम्मीद थी कि वो सभी अपने अपने परिवार से मिल सके। जिम ने हांस को विश किया कि आप सकुशल अपने घर जाओ और अपने फैमिली से मिलो, और सेम हांस ने जिम को विश किया। तो इस तरह से जिम हांस वुल्फ ने बहुत ही खूबसूरती से कहा कि किसी भी प्रॉब्लम का हल क्या इस तरह नहीं निकाला जा सकता बिना लड़ाई के, बिना युद्ध के, क्योंकि फुटबॉल मैच खेलकर अगर सॉल्यूशन निकलता है तो कोई भी बच्चा वो ऑर्फन नहीं होगा, कोई भी वाइफ विडो नहीं होंगी और कोई भी व्यक्ति मरेगा नहीं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये जो मैसेज है, दिस मैसेज इज स्प्रेडेड थ्रू दिस स्टोरी, एंड एवरीवन हु टेक डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ द कंट्री शुड अंडरस्टैंड कि दिस कैन ऑल्सो बी अ वे ऑफ फाइंडिंग सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स। देखते हैं इस सेशन में आगे क्या है। That night, back in our dugouts, we heard them singing a carol. जब सब अपने अपने ट्रेंचेस में लौट गए तो what did they hear? They heard carol and singing it quite beautifully. और काफी सुंदर तरीके से उन्होंने carol को गाया। It was still in a silent night. Our boys gave them a rousing chorus of wild zephyrs was. These are the names of the carols. Songs. We exchanged carols for a while and then we all fell silent. We had had our time of peace and goodwill, a time I will treasure as long as I live. So this was the time, a time of peace that would be treasured as long as he lived. Not only Jim but all the soldiers, jitne bhi soldiers wahan the jinhone Christmas manaya, jinhone एक दूसरे को विश किया, जिन्होंने फुटबॉल मैच खेला, वो इस मोमेंट को कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये एक शांति का समय था। और इस समय उन लोगों ने ये रियलाइज किया कि जो भी है यही है, दिस मोमेंट इज द बेस्ट मोमेंट, द वंडरफुल प्रेजेंट, द बेस्ट प्रेजेंट, बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। तो दे विल चेरिश दिस मोमेंट ऑल थ्रू देयर लाइफ। तो ये देखो, ये इनका डगआउट्स हैं जहां पर वो सोल्जर्स चले जाते हैं जस्ट टू सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। सो शेल्टर फॉर सोल्जर्स मेड बाय डिगिंग अ होल इन द ग्राउंड एंड कवरिंग। डियरेस्ट कोनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर दिस वॉर विल बी नथिंग बट अ डिस्टेंट एंड टेरिबल मेमोरी। कि फिर जिम ने, व्हाट जिम हैड रिटर्न, ही हैड कंक्लूडेड द लेटर बाय राइटिंग कि बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर, अगले साल फिर से क्रिसमस आएगी और ये वॉर का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। दिस वॉर विल बी नथिंग बट अ डिस्टेंट एंड टेरिबल मेमोरी। ये वॉर एक डिस्टेंट एंड टेरिबल मेमोरी बन के रह जाएगी। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपेंड टूडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस। आज के इंसिडेंट से आई हैव अंडरस्टूड कैसे दोनों आर्मी पीस की चाह रख रही थी। हाउ मच दे वर लॉन्गिंग फॉर पीस। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट। मैं फिर से तुमसे मिलूंगा और मैं श्योर हूँ वी विल मीट अगेन। योर लविंग जिम। तो यहाँ पर लेटर खत्म होता है। वंडरफुल मोमेंट शेयर किया नरेटर ने, वो नरेटर पढ़ रहे हैं। तो वी हैव कम टू नो अबाउट दिस वंडरफुल लेटर। आई फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवेलप। तो व्हाट द नरेटर हैड डन, उन्होंने क्या किया, लेटर को फोल्ड किया और वापस से उस एनवेलप में केयरफुली रख दिया। I kept awake all night, सारी रात वो जागते रहे। By morning, I knew what I had to do. Now he knew what he had to do. I drove into Bridport. क्यों? क्योंकि on the top of the tin box it was written,
कि I want this letter to be buried with me when the time comes. So how important that letter was for the receiver. The narrator knew that. So he drove into Bridport. Just a few miles away. वो जहाँ रहते थे उससे थोड़ी दूर पे वो एड्रेस वाली जगह थी. I asked a boy walking his dog where Cooper Beaches was. याद है लेटर के ऊपर लिखा था एड्रेस कूपर बीच, तो कुछ ही माइल्स में था. तो इस एक लड़के को उन्होंने पूछा कि डू यू नो वेयर कूपर बीचेस आर. हाउस नंबर 12 टर्न आउट टू बी नथिंग बट अ बर्नड आउट शेल. सी हाउस नंबर 12 लिखा हुआ था एनवेलप पे, नाउ इट वाज अ बर्नड आउट शेल. द रूफ गैपिंग, द विंडोज बोर्डेड अप, यानी उस घर में आग लग गई थी फायर के कारण. और जब फायरमैन आए उन्होंने आग को बुझाया पानी और फायर के कारण. जो रोल टॉप डेस्क इन्होंने खरीदा था नरेटर ने, तो उसी कारण वो इतना डिस्ट्रॉय हुआ. तो नाउ वी आर कमिंग टू नो कि वो हाउस नंबर 12 में आग लग गई थी. नाउ दिस इज बर्नड आउट. सी कैसे आग लग जाती है. एंड दिस इज विंडो बोर्डेड. इस तरह से देखो विंडो कैसे चेयर्ड हो जाते हैं, बिल्कुल खराब हो जाते हैं. आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर एंड आस्क्ड इफ एनीवन न्यू द वेयर अबाउट्स ऑफ मिसेस मैकपर्सन. आपको पता है जिम मैकपर्सन वाज द नेम ऑफ द राइटर हु हैड रिटन अ लेटर. और किसको उन्होंने भेजा था, मिसेस मैकपर्सन. तो नरेटर वेंट टू दैट स्पॉट एंड ही आस्क्ड टू द नेबर ऑफ दैट 12 हाउस नंबर 12 कि इफ दे न्यू वेयर मिसेज मैकपर्सन वॉज. ओ यस सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स, ही न्यू हर वेल, अ लवली ओल्ड लेडी ही टोल्ड मी, अ बिट मडल हेडेड बट एट हर एज शी वॉज एंटाइटल्ड टू बी वार्डन सी. तो क्या उन्होंने बताया कि यस ही न्यू मिसेज मैकपर्सन जो बहुत ही लवली ओल्ड लेडी है और वो थोड़ी मडल हेडेड है, थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है बिकॉज वो ओल्ड लेडी है. 101 years old. What? 101 years old. She had been in the house when it caught fire. अभी उनकी उम्र 101 years है और वो इस घर में थी जब यहाँ आग लगी हुई थी. She had been in the house when it caught fire. Now muddle-headed, little bit confused. अब 101 years old lady तो confused होंगी ही. So it's very natural. No one really knew how the fire had started, but it could well have been candles. किसी को नहीं पता कैसे हुआ, लेकिन हाँ इतना अंदाज लगाया जा सकता है कि with candles caught fire. She used candles rather than electricity. तो वो Mrs. MacPherson candles use करती थी instead of electricity, because she always thought electricity was too expensive. At that time, electricity was expensive, she used to think. The fireman had got her out just in time. नहीं तो वो भी हादसे का शिकार हो जाते. She was in the nursing home now, he told me. Burlington House on the Dorchester Road on the other side of town. So, what is the present address of that lady? It is the Burlington House. On the Dorchester Road, and this is what? This is a nursing home. I found Burlington House nursing home easily enough. There were paper chains up in the hallway, and a lighted Christmas tree stood in the corner with a lopsided angel on the top. So, what did the author see? The narrator see? तो वो जब गए वहां पर बर्लिंगटन हाउस में, तो उन्होंने देखा सब जगह पेपर से सब आकृतियां बनी हुई थी इन द हॉलवे, और क्रिसमस ट्री वॉज लाइटेड स्टूड इन द कॉर्नर विद अ लॉपसाइडेड एंगल ऑन टॉप. आई सेड आई वाज फ्रेंड कम टू विजिट मिसेस मैकपर्सन टू ब्रिंग हर अ क्रिसमस प्रेजेंट. तो व्हाट हैपेंड इन क्रिसमस 25th को वो गए थे, क्योंकि क्रिसमस 24th को क्रिसमस ईव में वो मेंट कर रहे थे रोल टॉप डेस्क. तो उन्होंने कहा कि मैं मिसेस मैकपर्सन का फ्रेंड हूँ और मैं उनके लिए क्रिसमस प्रेजेंट लाया हूँ. आई कुड सी थ्रू इनटू द डाइनिंग रूम वेयर एवरीवन वाज वेयरिंग अ पेपर हैट एंड सिंगिंग. तो ऑल हैव वॉर्न पेपर हैट एंड दे वर सिंगिंग. व्हाट दे वर सिंगिंग? कैरोल्स.
The matron had a hat on too and seemed happy enough to see me. Because it was a nursing home and someone has come with a Christmas present, so they were very, very happy to see him. She even offered me a mince pie. She walked me along the corridor. Mrs. MacPherson is not in with the others. कि वो उनके साथ नहीं है, दूसरे लोगों के साथ जो गाना गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं. She told me, she is rather confused today, so we thought it best if she had a good rest. तो वो आज थोड़ी confused है, तो हमें लगा कि उनको थोड़ा rest देना चाहिए. She has no family, you know, no one visits, so I am sure she will be only too pleased to see you. कि she doesn't have any family, क्योंकि उनके घर में आग लग गई थी, उनके पति लड़ाई के मैदान में थे. तो now we come to know about that Jim MacPherson didn't return. What did he say to Kone? कि मैं लौटूंगा, I will meet you soon, but he couldn't, he died at the war front. तो इसीलिए it is said कि she has no family and I am sure she will be only too pleased to see you. मुझे लग रहा है कि वो आपको पहचाने की भी नहीं, पता नहीं, because she is 101 years old. She took me into a conservatory with wicker chairs and potted plants all around and left me. तो where was Mrs. MacPherson? Mrs. MacPherson, ये देखो ये wicker chair है और कंजर्वेटरी जहाँ प्लांट्स लगाए जाते हैं, दैट इज द कंजर्वेटरी. तो वो वहां पर बैठी नहीं थी. ये मिंस पाई जो उन्होंने दिया था नरेटर को, एंड दिस इज द कंजर्वेटरी, अ ग्रीन हाउस फॉर डिस्प्ले ऑफ प्लांट्स. तो व्हाट हैव वी लर्न टुडे? वी हैव लर्न दैट इन दिस स्टोरी कि हाउ जिम MacPherson डाइड. The letter was with Kone, and because of the fire, she deserted the house, and she was now at a nursing home where the narrator who went through the letter, she went to that nursing home to meet Jim Kone MacPherson. और वहाँ हमने देखा कि क्रिसमस मनाया जा रहा है, बिकॉज वो क्रिसमस का दिन था. देखते हैं आगे की स्लाइड में क्या है, लास्ट कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ द स्टोरी. गो थ्रू द स्टोरी, एंजॉय इट एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स. इन द नेक्स्ट क्लास आई विल कंप्लीट द स्टोरी. थैंक यू.